इस तस्वीर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नजर आ रही महिला नेता मुरैना से कांग्रेस की महापौर शारदा सोलंकी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही ये चर्चाएं आने लगी थी कि मुरैना में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सियासी गलियारों में जोरों पर ये बात भी उछली कि शारदा सोलंकी कांग्रेस के 8 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। कई दिनों से इन चर्चाओं को लेकर भिंड से लेकर मुरैना तक का सियासी बाजार गर्म रहा। इन सियासी अटकलों के बीच मुरैना महापौर शारदा सोलंकी का बयान भी सामने आया है। ये सारी खबरें झूठी हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं कांग्रेस में हूँ, अभी कांग्रेस में काम करूँगी। सब लोग करते हैं, वरिष्ठ नेता से हमारा तो काम बजट के लिए गए थे, बजट है, सब ने सारे नेता मिलते हैं, सब नेता तो चर्चा में रहते हैं। सुना आपने, शारदा सोलंकी ने साफ कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रही हूँ। उन्होंने सिंधिया से हुई मुलाकात को भी सामान्य मुलाकात बताया है। दरअसल मुरैना के कांग्रेस नेता रहे राकेश मवई हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शारदा सोलंकी भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं।